मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर में वर्दी नहीं पहनकर बस चलाने वाले ड्राइवर और बस के कंडक्टर के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया है। DSP ट्रैफिक के नेतृत्व में पुलिस ने बस स्टैंड पहुंचकर ऐसे बसों को चेक किया जिनके ड्राइवर कंडक्टर न तो वर्दी पहनते हैं और न ही नेम प्लेट लगाते हैं, जबकि यातायात नियमों के अनुसार दोनों आवश्यक हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए 30 बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा है यह अभियान लगातार चलता रहेगा। फ़ोन से सूचना दी थी सुबह कि कुछ जो कंडक्टर्स हैं वो प्रॉपर यात्रियों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और नाम पूछने पे भी नहीं बता रहे हैं। कुछ व्यवहार का उनका तरीका काफ़ी गलत था, तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान है कि ड्राइवर और कंडक्टर वर्दी में रहेंगे और जो नेम प्लेट है वो उनके वर्दी पे लगी हुई होनी चाहिए। तो इसी का आज ये अभियान चलाया गया था। 100 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ पूरे शहर में आज हुई हैं और ये अभियान हमारा लगातार जारी है। वॉइस ऑफ राइट्स के ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।